चींटी और टिड्डा। वाह, शानदार धूप, सुकून पजीर हवा, और क्या चाहिए। इसे कहते हैं मजे की जिंदगी। गर्मी का मौसम आया, साथ अपने घास लाया और ढेर सारे फल। ये है रघु। रघु एक टिड्डा है जिसे मौसकी और मटर गश्ती करना और घास बहुत पसंद है, और निकम्मों की तरह आराम करना भी। उसे गर्मी का मौसम और हरी भरी घास जबरदस्त पसंद है। रघु मस्त मगन टिड्डा है। ओ मेरा अजीज, गर्मी का मौसम, ताजी घास की खुशबू, लजीज फल, चलते फिरते फल। ठहरो, ये क्या, ये फल चल क्यों रहा है? रघु खौफ ज्यादा हो गया। वो सहमते हुए ओस चलते हुए फल की तरफ गया। फल, ये बताओ तुम हो कौन? जादू? फल तो बस रघु की जानी पड़ रहा था, फिर धीरे से घास पर जैसे ही सरकने लगा कि तभी, बचाओ बचाओ, ये फल मेरी जानी पड़ रहा है, कोई बचाओ, ये फल मुझ पर हमला करेगा। एक मिनट, ये आवाज कैसी है? रघु ने अपने कान लगाकर आवाज सुनी तो उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, और पता चला कि अनगिनत चींटियां थीं उस फल के नीचे। ज़्यादा नहीं था, तुम्हें पता है ना कि मैं एक टिड्डा हूँ जो हमेशा दौड़ता और उछलता रहता है। दुरुस्त फरमाया रघु, लेकिन क्या सच में तुम फल से खौफ ज्यादा नहीं थे? बस क्या, कूदना और फुदकना तो मेरी कैफियत है चींटी कहीं की। जैसे कि तुम एक फल लाने के लिए दर्जनों चींटियां निकलती हो। मैं बड़ा और ताकतवर हूँ, इसलिए मुझे तुम जैसी अदना चींटियों के मदद की जरूरत नहीं। क्या अब मैं इस फल को खाने में तुम लोगों की कुछ मदद करूँ? बकवास बंद करो रघु, हम ये फल खाने के लिए नहीं ले जा रहे हैं, हम इसे यज्ञ कर रहे हैं। वो कतार देखो। और वो सचमुच यज्ञ कर रहे थे। रघु ने जब मुड़कर देखा तो पाया कि ढेरों चींटियां एक कतार से आगे बढ़ रही थीं, और वो भी जमीन के एक गहरे गड्ढे की तरफ। वो टमाटर ले जा रही थी, सेब, मक्का और गाजर भी। हर एक चींटी एक एक करके फल उस गड्ढे में डाल देती थी, फिर बाकी की मदद करने आगे बढ़ती। यज्ञ करने का जखीरा लगातार चल रहा था। रघु अब माजरा जानना चाहता था। तुम सब ये क्या कर रहे हो? ये सारा खाना गड्ढे में क्यों डाल रहे हो? क्या सारे फल खराब हो गए हैं? ओ नहीं, कतई नहीं, हम ये खाना इसलिए यज्ञ कर रहे हैं क्योंकि गर्मी का मौसम अब खत्म होगा और जाड़े का मौसम जल्द ही आएगा। हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, वरना हम भूखे मरेंगे। रघु, तुम्हें भी खाना यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये हरी घास भी नहीं कायम रहने वाली। ओ, तुम चींटी हो चींटी, इसलिए ज्यादा मेहनत करके पूरे मौसम का खाना यज्ञ करती हो। मेरे लिए ये चुटकियों का काम है। इतनी जल्दबाजी क्या है? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, जब जीना है बरसों। चींटियां जानती थी कि रघु गलतफहमी में मुब्तला है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि रघु उनकी सलाह नहीं मानेगा। उन्होंने उसे अलविदा कह दिया और अपने काम में मसरूफ हो गई। भी अजीब है। अरे इतना खुशगवार मौसम है, सर्दियाँ आने से दुनिया तो खत्म नहीं हो जाएगी, तो फिर मुस्तकबिल की फिक्र क्यों करना? रघु ने चींटियों की बात को अनसुना कर दिया। वो सारा दिन कूदने और उछलने लगा और हरी घास खाने में मशगूल रहा। वो नदी में आराम करते हुए सीटियां बजाने लगा। कई दिनों के इस ऐशो आराम की वजह से रघु का वजन बढ़ गया। एक दिन जब वो ऐसे ही घास पर आराम कर रहा था
तब उसने देखा कि चींटियां टहनी और पत्तियां लेकर कतार में चल रही हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? ये पत्तियां और टहनियां लेकर कहां जा रहे हो? हम ये लकड़ियां जाड़े से बचने के लिए लेके जा रहे हैं। तुम भी जमा कर लो रघु, जाड़े में तुम्हें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। जाड़े में ही ठंड लगती है पागल, गर्मी में नहीं। तुम बहुत सारे हो इसलिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं तो अकेला हूँ, मुझे किस बात की फिक्र। चींटियाँ जानती थी कि रघु उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए वो जाने लगी। लेकिन तभी आउच, मेरा पैर। ओ, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? ओ, मेरा पैर दर्द कर रहा है, मैं चल नहीं पाऊंगा। ओ, आओ हम तुम्हें घर लेके चलते हैं। नहीं, घर यहाँ से काफी दूर है और तुम्हें ये सामान भी ले जाना है। कोई बात नहीं, तुम मेरी पीठ पर बैठो और मैं तुम्हें घर ले उड़ूंगा। क्या सच में तुम मुझे घर पहुंचाओगे? हाँ हाँ वाकई, चलो बैठ जाओ। रघु चींटी को साथ लेकर उड़ चला। चींटी को बहुत मजा आ रहा था। उसने हरी भरी जमीन देखी, झरने देखे और नदी भी। उसे हवा के झोंकों का एहसास हुआ। जब वो घर पहुँचे तब रघु ने देखा कि बहुत सारी चींटियां पत्ती लेकर एक बड़े से गड्ढे में डाल रही थी। रघु दंग रह गया। वो नीचे बैठ गया और चींटी उसके ऊपर से नीचे उतरी। शुक्रिया प्यारे रघु। कोई बात नहीं, उम्मीद है तुम्हें मजा आया होगा। संभल के जाना और अपने पैर का ख्याल रखना। सुनो रघु, क्या तुमने खाना और पत्तियों को यकजा किया? तुम जाड़े के मौसम में कहाँ रहोगे? अरे हटाओ, मैं बड़ा और ताकतवर हूँ, कुछ न कुछ तो बंदोबस्त कर ही लूँगा। मुस्तकबिल की फिक्र आज क्यों करूँ? दिन गुजरते गए और गर्मी का मौसम अब बस खत्म होने को था। दरख्तों के पत्ते सूख कर गिर रहे थे और घास भी अपना रंग बदल रही थी। और यहाँ रघु और मोटा होता जा रहा था। वो बस सूखे हुए पत्ते पर पानी में झूम रहा था, ऊपर आसमान की तरफ देखता और बची हुई घास खा रहा था। आजकल चींटियां भी नजर नहीं आती, लगता है वो भी मौसम का मजा ले रही हैं। लेकिन अब क्या फायदा, जब मौज मस्ती करनी थी तो काम कर रहे थे, चींटियों ने बहुत सारे मजे खो दिए। जाड़े का मौसम आ गया, चारों तरफ बर्फ की चादर बिछ गई। हरी घास और फल कहीं नजर नहीं आ रहे थे। रघु एक हरी पत्ती के लिए तरस रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो एक गर्माहट वाली जगह तलाश रहा था और बर्फ की वजह से कोई भी कहीं जगह दिखाई नहीं दे रही थी। हफ्तों गुजर गए और रघु की सेहत खराब होती जा रही थी। उसके पास रिहाइश के लिए कोई जगह नहीं थी और न खाने को कुछ। बाद में उसे याद आया कि चींटियों ने काफी सारा खाना और टहनियां जखीरा करके रखा था। वो उनके पास गया और दरवाजे पर दस्तक दी। कोई है? कौन है? ओ, रघु, क्या हुआ तुम्हें? पर बहुत ठंड है और मैं भूखा हूँ। क्या मुझे यहाँ रिहाइश और खाने को मिलेगा? ओ, जाने मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे तुम्हारी सलाह मान लेनी चाहिए थी। मेहरबानी करके मुझे कुछ खाना दे दो। उनकी बहस की आवाज सुनकर रानी और बाकी चींटियां भी बाहर आ गईं। हमारे पास बहुत खाना है, तुम फिक्र ज़दा ना हो। लेकिन हाँ, तुम यहाँ रिहाइश नहीं पा सकते, ये जगह काफी छोटी है। लेकिन मैं ओ, ये तुम्हें क्या हो गया? रघु जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। ये क्या, हमें इसे बचाना होगा, ये भूख से मर जाएगा। आखिर इसने मेरी मदद की थी जब मैं बचपन में जख्मी हुआ था। चींटी ने रानी को बीती हुई बातें बताई। उसने बताया कि कैसे रघु ने उसकी तकलीफ में उसकी मदद की थी। जाओ कुछ पत्तियां लाओ, इसे उड़ा दो और जल्द से जल्द टहनियों से एक घर बना दो जिसमें हम इसे रख सके।
इसे उससे राहत मिलेगी। हमारे पास बहुत सारा खाना है, हम इसे भी देंगे। चींटियों ने रघु को ठंड से बचाने के लिए उसे पत्तियां उड़ा दी, फिर टहनियों का एक घर बना के उसके अंदर ले गए। उसे गरम सूप पिलाया और साथ में फल भी खिलाए, और कुछ दिन बाद रघु पहले की तरह तंदुरुस्त हो गया। आपको बहुत शुक्रिया रानी साहिबा, आपने मेरी जान बचाई, मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम एक बहुत ही अच्छे टिड्डे हो रघु, तुमने हमारी चींटी की मदद की, हम इस पर तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन याद रहे हमें हमेशा आने वाले दिनों की तैयारी करनी चाहिए। मुझे समझ आ गया रानी साहिबा, हमें फिक्र तो नहीं लेकिन कल की तैयारी जरूर कर लेनी चाहिए, क्या पता कल क्या हो।